अगर हम भी अगर हम ये कहें कि हम क्वेश्चन नहीं देंगे, हम OMR शीट नहीं देंगे, आंसर की नहीं देंगे, हमने कई चीजों को पर्दे के पीछे ढकेल दिया। और अगर हम पर्दे के पीछे ढकेल देते हैं तो पर्दे के पीछे क्या हो रहा है किसी को पता नहीं। अध्यक्ष की बात क्यों करते हैं, अध्यक्ष की बात नहीं करता हूं। तालाब में एक मछली भी पूरे तालाब में गंदा कर सकते, छेद तो सिस्टम में कई थे और कई छेद जो जैसे मैंने कई अवसरों पर शायद आप पहली बार आप सुन रहे हैं, मैंने पहले भी यह स्पष्ट किया है कि पर्दे के सामने जो काम होता है वो सबको दिखता है और उसमें आप अच्छा बहुत कर सकते हैं तब लोग संतुष्ट भी हो जाए, लेकिन उससे बात नहीं बनती है जिसमें कि ट्रांसपेरेंसी बहुत ही क्रिटिकल एलिमेंट, और वो ट्रांसपेरेंसी जितना अधिक से अधिक रहेगा उतना आपका सिस्टम फुल प्रूफ डीप प्रूफ रहेगा। अगर जितना आप ट्रांसपेरेंसी कम रखेंगे उतना आप भी हमेशा शक के दायरे में रहेंगे। एक बार किसी ने पूछा था कि ऑफलाइन मोड में भी पेपर लीक हो जाता है, ऑनलाइन मोड में भी पेपर लीक हो जाता है, तो आखिर क्या किया, किस पर भरोसा किया, किसी ने इसी सभा कक्ष में किसी ने पूछा था, और मैंने कहा था कि भरोसा तो आपको उस इंसान पर ही करना, कोई भी सिस्टम अपने आप में गलत नहीं होता, उसको हैंडल करने वाले इंसान के ऊपर आपको भरोसा करना, अगर वो सही है तो सब सही है, नहीं सही है तो नहीं सही। मैं ये नहीं कह रहा अध्यक्षी की बात क्यों करते हैं, जो भी टीम है वो अध्यक्ष की बात नहीं करता हूँ। तालाब में एक मछली भी पूरे तालाब में गंदा कर सकते, वो कुछ भी नहीं है अध्यक्षी को, नहीं सर कुछ भी नहीं है, वो भी जो आप जो इसका आपकी टीम में छेद नहीं पड़ेगा, नहीं 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 ऐसा मैं बताता हूँ कि छेद तो सिस्टम में कई थे और कई छेद जो जैसे मैंने कई अवसरों पर शायद आप पहली बार आप सुन रहे हैं, मैंने पहले भी यह स्पष्ट किया है कि पर्दे के सामने जो काम होता है वो सबको दिखता है और उसमें आप अच्छा बहुत कर सकते हैं तब लोग संतुष्ट भी हो जाए, लेकिन उससे बात नहीं बनती है जो पर्दे के पीछे जो काम होते हैं, अगर उसमें अगर हम सावधानी नहीं बरतें, उसमें पारदर्शिता नहीं पर, अगर हम भी अगर हम ये कहें कि हम क्वेश्चन नहीं देंगे, हम OMR शीट नहीं देंगे, आंसर की नहीं देंगे, हमने कई चीजों को पर्दे के पीछे ढकेल दिया। और अगर हम पर्दे के पीछे ढकेल देते हैं तो पर्दे के पीछे क्या हो रहा है किसी को पता नहीं, तब तो कोई अध्यक्ष कोई भी रहे कोई भी कुछ रहे क्या हो रहा है किसी को पता नहीं। जब तक कि पब्लिक के सामने पर्दे के सामने जब तक हम इन चीजों को नहीं लाते हैं तब तक ये संभावना हमेशा बनी रहती है कि पेपर लीक हो जाए या कुछ भी चीज हो जाए, संभावना बनी रहती है। लीक पॉइंट्स कई थे और हम लोगों ने यहां पर इतना कॉन्फिडेंटली हमने कैसे कहा था, पहले ही कहा इस परीक्षा के पहले भी मैंने कहा कि पेपर लीक इतिहास होगा, उसके बाद भी हम लोगों ने कितनी परीक्षा ले ली। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये एक फुल प्रूफ सिस्टम है, क्योंकि मैं हमेशा जानता कहता हूं कि हमें कदाचारियों से दो कदम आगे रहने की जरूरत है। हम अगर अपने सिस्टम में परिवर्तन नहीं करेंगे तो हम किसी दिन गच्चा खा लेंगे, लेकिन इतना तो है कि अगर मल्टीपल लीक पॉइंट्स रहेगा तो एक साइकोलॉजी में अगर साइकोलॉजी के कोई स्टूडेंट अगर यहां हो पढ़े हों तो डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा है। इसको सरल शब्दों में यह समझे कि जब कई लोग जिम्मेवार रहेंगे तो कोई जिम्मेवार नहीं, क्योंकि सब एक दूसरे पर फेंका पड़ेगा। अगर मल्टीपल लीक पॉइंट्स रहेंगे तो कहां से लीक किया गया इसकी जांच करते करते ही वर्षों बीत जाएगा और कोई जिम्मेवार नहीं। इसलिए हम लोगों ने सबसे पहला काम यह किया कि मल्टीपल लीक पॉइंट्स को खत्म करके जनरली वन लीक पॉइंट है, और कोई लीक पॉइंट है ही नहीं। जब और कोई लीक पॉइंट बचा ही नहीं तो फिर हम ये कॉन्फिडेंस स्टार्ट कर सकते हैं कि अगर अब कुछ हुआ तो जो एक लीक पॉइंट है वही फंसेगा, और अब हम लोगों को उसके बियॉन्ड भी जाकर सोचना पड़ेगा। और हम लोग कई बार सोच करके सारे लीक पॉइंट्स को बंद करते रहे हैं
जो चीज आपको पर्दे के सामने वाला चीज तो आप देख करके वाहवाही कर देंगे, कैमरा लग गया, ये लग गया, वो लग गया, वाहवाही कर देंगे, लेकिन उससे ज्यादा होमवर्क, ज्यादा मतलब दिमाग लगा करके जो काम करने वाली बातें हैं वो पर्दे के पीछे वाला काम है, जिसमें कुछ ट्रांसपेरेंसी बहुत ही क्रिटिकल एलिमेंट है। और वो ट्रांसपेरेंसी जितना अधिक से अधिक रहेगा उतना आपका सिस्टम फुल प्रूफ, डीप प्रूफ रहेगा। अगर जितना आप ट्रांसपेरेंसी कम रखेंगे उतना आप भी हमेशा शक के दायरे में रहेंगे। इसलिए हम लोगों ने देखा, आपने इसका भी देखा होगा कि हम लोगों ने वर्मा शीट भी देना शुरू कर दिया, और उस पर हम लोगों ने एक तो में प्रयास भी किया कि हम लोग उसमें स्कैन स्कैन जो वैल्यूज होता है, जो रीडिंग जो होता है, उसे स्कैन कर दिया तो मशीन है ना, मशीन ने उसको ए रीड किया कि बी रीड किया, अगर मान लीजिए मशीन ने गलत रीड किया, आप दिख रहा है कि हमने बी पे टिक लगाया है, मशीन इसको ए रीड कर रहा है, तो हम तो रिजल्ट बनाएंगे मशीन के रीडिंग के हिसाब से, और आप कहेंगे बाद में कि मेरा तो बी था उसमें। तो इसलिए हम लोगों ने कोशिश किया कि जो मशीन जो रीड कर रहा है वो रीडिंग भी मशीन की, वो स्कैन मशीन की जो रीडिंग भी है वो भी कैंडिडेट को दे दे, कैंडिडेट न केवल अपना ओएमआर शीट देख ले बल्कि देख ले कि मशीन ने भी उसको सही सही रीड किया है कि नहीं। हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम जितना चीज हम ट्रांसपेरेंट कर सकें, बता सकें, कैंडिडेट्स को जितना दिखा सकें उतना। मैं ही मानता हूं कि कैंडिडेट को भी कॉन्फिडेंस आता है और मुझे भी कॉन्फिडेंस तब रहता है कि जो अब हमारा जो रिजल्ट है वो सबके सबसे फिल्टर होकर के सबके नजर से गुजरने के बाद ये तैयार होगा। इसलिए हम लोग ये नहीं, किसी व्यक्ति विशेष को आप दोष दे ही नहीं सकते अगर मल्टीपल लीक हुआ।